स्वागत सभी गाइस हमारे नए वीडियो में। मैं हूं दिव्यांश। आज हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। वो भैया आते हैं बोट रॉकर्स की तरफ से नए नेक बैंड 239। तो अभी जो है बोट ने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, उसी में से ये प्रोडक्ट मेरे को दिखा और मैंने उसको बुला लिया। देखते हैं किस तरह का साउंड है, किस तरह की क्वालिटी देता है हमें, उसको हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग जो प्यार है बना रहे और आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलो तो इसके अनबॉक्सिंग हम लोग शुरू करते हैं। चलिए गाइस बॉक्स का एक ओवरव्यू लेते हैं। तो बॉक्स में देखने को मिलते हैं बोट रॉकर्स 239 बेस इट अप ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा IPX5 है ये। स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट आपको ये मिलते हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ आपको हाईलाइट पॉइंट देखने को मिलते हैं कुछ एक्स्ट्राज वो की हैं। 10mm डायनामिक ड्राइवर इसमें यूज़ किए हैं। 110mAh की बैटरी है। लाइट वेट डिज़ाइन है इनका। मैग्नेटिक केबल्स हैं और 6 आवर्स का आपको इसमें प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। 15 मिनट के चार्ज में जो है 1 घंटे तक जो है आपको दे देंगे बैटरी बैकअप। उसके अलावा 3.5 घंटे में जो है ये फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं प्राइसिंग जो इस पर दी है वो 2499 दी हुई है। पर ये प्राइसिंग ओरिजिनल प्राइसिंग से कुछ डिफर करती हुई है। पैकेज में आपको देखने को कुछ मिल जाते हैं केबल्स और पेपर वर्क। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली। तो हमें बेसिकली सबसे पहले तो ऊपर की तरफ रखी हुई केबल जो कि नॉर्मल केबल ही है, सो चार्ज वगैरह करने के लिए छोटी सी दी इन लोगों ने। पर क्वालिटी जो है केबल की काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा हमको इसमें देखने को मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयर टेप्स जो बेसिकली आपके डिफरेंट ईयर साइज़ में फिट हो सके हैं। तो ये दी है उन्होंने एक्स्ट्रा ईयर टेप्स, लार्ज मीडियम स्मॉल 3 तरह के आते हैं। इसके अलावा पेपर वर्क देखने को मिलता है हमें, तो 3 पेपर वर्क इसमें अवेलेबल हैं। सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी एक टूर गाइड इनके प्रोडक्ट्स की भैया बोट के। तो लंबे छोटे प्रोडक्ट्स हैं इनके बहुत सारे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट जो है सभी सेलिब्रिटीज जो हैं बोट का कहने के प्रमोशन करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये बहुत सारी इसमें इनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बेसिक से लेके इवन होम थिएटर वगैरह सब कुछ। इसके अलावा देख सकते हैं इसकी छोटी सी मैनुअल है जो कि हमारे बोट रॉकर्स 239 की है। तो गाइड करते हैं आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है, क्या कुछ इसमें अवेलेबल है और किस तरह से इसको जो है आपको टर्न ऑन करना है और इसको कनेक्ट वगैरह करना है। तो ये सब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इसको हमको एक मिलता भी है 1 ईयर का वारंटी कार्ड जो हर बार मिलता है। तो करना कुछ नहीं है, आपको ये QR कोड को स्कैन करना होता है या तो इनकी साइट पर जो जाके विजिट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करेंगे, उसी के साथ जो है आपका 1 ईयर का वारंटी जो है ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेकबैंड की जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार डिज़ाइन किया हुआ है और डिज़ाइन के अलावा इसमें जो है स्ट्रेंथ भी काफ़ी सही दी है इसकी। बटन्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरह के बटन्स आपको इसमें अवेलेबल किए हैं इन लोगों ने। तो बीच में जो है पावर बटन है, तो मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कि दिखता कैसा। तो ये देख सकते हैं आपकी लाइटिंग जल रही है इसमें। तो छोटी सी जो है लाइट इंडिकेशन भी आपको दे दी है। एक तो माइनस का बटन दिया है, एक प्लस का बटन दिया है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए भी यूज़ हो जाता है। इसके अलावा जो इसमें पोर्ट दिया है वो चार्जिंग के लिए, तो यहाँ से जो है आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। और मैं आपको ये बोलूँगा कि 5W का चार्जर इसमें यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, इनकी बैटरी लाइफ जो है मेंटेन रहेगी। इसके अलावा इस साइड देखेंगे तो आपको जो है बोट का ब्रांडिंग की हुई है, बोट का लोगो मिल जाता है। इसके अलावा और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर आप बात करते हैं हम लोग क्लोजली जो है कि हमारे ईयरबड्स की, तो मेटेलिक हैं फुली और मैग्नेटिक हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ईजिली जो है चिपक जाते हैं दूसरे से। सिल्वर कलर की जो इसमें टेक्सचर देखने को मिल जाता है और राइट लेफ्ट दोनों ही तरफ लिखा हुआ है, तो आपको ईजिली जो डिफाइन करना हो जाएगा कि किस तरफ लगाना है। डिज़ाइन थोड़ा सा टिल्टेड है ये और काफ़ी शानदार दिख रहे हैं वैसे तो। अब इसकी बात करें हम लोग सॉन्ग क्वालिटी वगैरह की, तो वो लोग हम लोग इसको प्ले करते हैं और उसके बाद जो इसके फर्दर डिटेल्स वगैरह के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। क्वालिटी की बात कर रहे थे गाइस हम लोग इस नेक बैंड के बारे में, जो कि अभी जो है भैया मैं आपको बता दूं इसको टेस्ट करने के बाद जिसके जो 3 चीज़ें मैंने देखी हैं, बात करते हैं उनके बारे में। तो बिल्ड टू डिज़ाइन की अगर बात करूँ तो इसकी बिल्ड टू डिज़ाइन मुझे सही लगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, आप इसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं किसी भी तरीके से।
बात करूं मैं इसके ईयर टिप्स के बारे में तो वो भी शानदार हैं, हैवी हैं और एकदम मेटल मेटलिक हैं ये पूरी ईयरबड्स जो हैं मेटलिक हैं और इसमें मैग्नेट्स भी लगे हुए हैं तो ये प्रॉपरली जो है एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसके अलावा बात करूं बटन फीडबैक की तो बटन फीडबैक भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है आपको इसमें और बैटरी लाइफ वगैरह भी इससे जो है सही लगी मुझे। अब बात करता हूँ मैं इसके साउंड के बारे में तो साउंड क्वालिटी वगैरह में तो मुझे जो है डिसेंट लगे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकता। एक जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगी है वो है भैया इसके हाइज़ में, आप जब इसको फुल वॉल्यूम में प्ले करोगे तो आपको जो है इरिटेटिंग लगने लगेंगे क्योंकि इसमें जो लाउडनेस है वो इतनी ज़्यादा है कि वो चुभती है कानों में, तो फुल वॉल्यूम पे तो ये मुझे जमे नहीं। बात करूँ इसमें बेस तो बेस भी जो है इसका डिसेंट है, बेस तो भैया मैं कह दूँ ना बोट की कोई से प्रोडक्ट खरीद लो बेस तो ये लोग जो है कूट कूट के भरते हैं, इसमें भी इन लोगों ने कूट कूट के भरा है भैया बेस, बाकी लाउडनेस जो है वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देगी। चलिए गाइस प्राइसिंग अगर बात करूँ तो 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट में मुझे पड़ा है और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये 2000 से कम में अगर मिलता है सेल वगैरह में या कहीं भी लोकल मार्केट में अगर आपको मिल जाता है तो ये एक चीज़ एक तरह से वर्थ प्रोडक्ट होता है, बट अगर आप इसको ओवर प्राइस 2000 से ऊपर में खरीद रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि इसे ना लो भैया, इससे अच्छे और भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। चलिए तो बस ये कहना चाह रहा हूँ, लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर देना ताकि जो आपका प्यार है बना रहे और इसी के साथ हम लोग जो है आने वाले वीडियोज़ में भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौर एक्सप्लोर के साथ।